गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो ये मेरा प्लांट मैकेनिक्स का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग वी विल डिस्कस सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। यू नो माय नेम इज़ नोमान बदर। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ आर लेक्चर। वी विल डिस्कस दीज कंटेंट्स इन दिस लेक्चर। दिस लेक्चर इज़ फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, सो आई विल डिस्कस इन हिंदी एंड इन इंग्लिश मीडियम। आई विल ट्राई टू डिस्कस इन बोथ लैंग्वेजेस। ओके, तो ये हमारा कंटेंट्स है, ये हमारा सिलेबस है सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होता है सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। उसके बाद सिंपल मशीन देखेंगे, फिर कंपाउंड मशीन देखेंगे कि कंपाउंड मशीन क्या होता है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होता है, इनपुट ऑफ मशीन, आउटपुट ऑफ मशीन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, आइडियल मशीन, वेलोसिटी रेशियो। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन। ओके, उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ मशीन, कि कौन सी मशीन रिवर्सिबल होगी, क्या कंडीशन होगी रिवर्सिबिलिटी की, सेल्फ लॉकिंग मशीन कौन सा होता है, फ्रिक्शन इन द मशीन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अ मशीन एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन्स। सो ये सारा टॉपिक्स जो है हमारा इस लेक्चर का होगा। वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स इन दिस लेक्चर। दिस चैप्टर इज ऑफ दिस इज योर सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे भाई कि मशीन्स क्या होता है, हम लोग मशीन्स जो है पास्ट में कैसे यूज़ करते थे। तो एज़ यू कैन सी इन दिस स्लाइड, इन ओल्ड टाइम्स, पुराने टाइम्स में क्या होता था, थाउजेंड्स ऑफ स्लीव्स हैड टू बी अरेंज्ड वेन एवर हैवी लोड हैड टू बी लिफ्टेड और ड्रैग। तो ये कह रहा है कि पुराने ज़माने में जब हम लोगों को कोई कार्य करना होता था, कोई भारी लोड उठाना होता था, तो हम लोग को बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती, बहुत स्लीव्स की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। हम लोग को बहुत ज़्यादा स्लेव्स या नंबर ऑफ पीपल्स हम लोग को रिक्वायर्ड होते थे, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी हमें। कब ज़रूरत पड़ती थी, जब कोई हैवी लोड उठाना था तो बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी हमें, है ना, बहुत लोग हम लोग यूज़ करते थे ना। तो उस वक्त क्या होता था कि भाई हम लोग के पास अवेलेबल था। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है कि हम लोग जो है वो सारा काम जो है, वो सारा कार्य जो है, एक या दो बंदे मिलकर ही कर लेंगे अगर हम सिंपल मशीन का यूज़ करें तो। अगर हम कोई सिंपल मशीन या कंपाउंड मशीन यूज़ करें तो हम लोग वही सेम काम जो है एक या दो बंदे मिलकर ही कर सकते हैं। तो सिंपल मशीन्स ने हमारे कार्य को आसान कर दिया है। सो इवन टुडे द एब्सेंस ऑफ सुइटेबल डिवाइस, मैनी पीपल हैव टू बी अरेंज्ड टू लिफ्ट अ मोटर कार। और आज के ज़माने में अगर हमारे पास कोई डिवाइस ना हो, कोई सिंपल मशीन ना हो, तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मोटर कार को उठाने में। मोटर कार को अगर हमको उठाना है तो आज के ज़माने में भी हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अगर मशीन हमारे पास ना हो तो। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस सच डिफ़िकल्टीज, फ्यू सिंपल मशीन्स वर इन्वेंटेड। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मशीन्स का इजाद किया, डिस्कवरी की, मशीनों को खोजा। सो विच कुड हैव सेव द मैन पावर। और उससे क्या हुआ कि हमने जो है मैन पावर को सेव कर दिया, दैट इज़ अ सिंगल मैन। अब उससे अब क्या हो गया है कि एक सिंगल, एक अकेला आदमी ही जो है वो पूरा कार्य कर सकता है, जो कि बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे थे, और अच्छी स्पीड से वो कार्य हो सकता है। किसकी मदद से, वो सारा काम जो है एक बंदा मिलकर ही वो सारे काम को कर सकता है, और वो भी बहुत अच्छे खासे स्पीड से और बहुत जल्दी कर लेगा वो। किसकी वजह से, बाई यूजिंग मशीन्स। सो मशीन्स का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में। हम लोग हर चीज़ जो है हर वक्त जो है मशीनों से घिरे हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई सिंपल मशीन्स क्या होते हैं। तो सिंपल मशीन इन ब्रॉडन सेंस, सिंपल मशीन क्या होता है, सिंपल मशीन मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच एनेबल्स अस टू डू सम यूजफुल वर्क एट सम पॉइंट और टू ओवरकम रेजिस्टेंस व्हेन एन एफर्ट और फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट एट सम अनदर पॉइंट। अब ये कह रहा है कि मशीन्स क्या होती हैं भाई। मशीन्स वो होती हैं कि अगर हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, कैंची जो है वो क्या है, सीज़र इज़ अ मशीन, सीज़र एक मशीन है। नाइफ़ को भी हम मशीन कह सकते हैं, नाइफ़ इज़ अ मशीन। उसके बाद आप देख रहे हो, आपके पास अगर कोई लोड लिफ्ट करना है, आपको मान लीजिए फलक्रम है और आपको कोई लोड यहाँ से भारी लोड उठाना था, तो हमने क्या किया, एक यहाँ से रॉड लिया या फिर एक कोई प्लेटफॉर्म लिया और हमने क्या किया, यहाँ पे एफर्ट लगाया, हमने यहाँ पे एफर्ट लगाया, ये लोड आपको यहाँ से उठाना था और ये आपका फलक्रम है, सेंट्रल वाला पॉइंट। तो ये भी एक तरीके का मशीन हो गया कि हमें इस पॉइंट पे जो है हमारा लोड है, भार है, और किसी दूसरे पॉइंट पे हम एफर्ट दे रहे हैं, और अगर इस तरीके से हम इस कार्य को कर पा रहे हैं तो ये सिंपल मशीन कहलाएगा। तो ये भी एक सिंपल मशीन हो गया टू लिफ्ट दिस लोड,
हम इस भार को उठा पा रहे हैं बाय यूजिंग दिस मशीन, तो ये सिंपल मशीन हो गया। कंपाउंड मशीन क्या होगा? कंपाउंड मशीन में भी डिफाइंड एज अ डिवाइस, वो डिवाइस होती है जिसमें नंबर ऑफ सिंपल मशीन्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी सिंपल मशीन्स होती हैं, विच एनेबल्स अस टू डू यूजफुल वर्क एट अ फास्टर स्पीड विद अ मच लेस एफर्ट एज कम्पेयर टू सिंगल सिंपल मशीन। तो इसमें क्या होता है कि फास्टर स्पीड से हम लोग काम कर सकते हैं और बहुत कम एफर्ट देना पड़ेगा, फास्टर स्पीड से काम हो जाएगा कंपाउंड मशीन में। तो कंपाउंड मशीन कुछ नहीं होता है, कंपाउंड मशीन वो मशीन्स होती हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिंपल मशीन्स होती है, बहुत सारे सिंपल मशीन से घिरा हुआ होता है, बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो सिंपल मशीन के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास कैंची जो होती है, सीजर्स हो गया, नाइफ हो गया, सो दीज आर एग्जांपल्स, प्लायर हो गया, ये सब क्या है सिंपल मशीन का, ये सब एग्जांपल है, ये सब मशीन्स हैं, सीजर्स, प्लायर, नाइफ, कैंची, है ना, प्लास, ये सब जो है सिंपल मशीन्स हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक जगह लोड होता है दूसरी तरफ एफर्ट लगाते हैं, तो बस ये हो गई सिंपल मशीन की डेफिनेशन, आप इसको लिख सकते हो एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं भाई, लिफ्टिंग मशीन क्या होता है? लिफ्टिंग मशीन जो है, इट इज़ अ डिवाइस विच एनेबल्स अस टू लिफ्ट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग कंपेरेटिवली स्मॉलर एफर्ट। तो वो मशीन्स जो, जैसा कि अभी मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था कि जैसे फलक्रम है, कोई बड़ा हैवी लोड आपको उठाना है, लिफ्ट करना है, तो यहाँ आपके पास लोड है और यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो, तो क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मशीन के द्वारा बहुत हैवी लोड्स, लिफ्टिंग मशीन वो होती है जिसमें हम लोग बहुत हैवी लोड जो है थोड़ा सा एफर्ट दे के, लेस एफर्ट दे के हैवी लोड्स को हम लोग उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, तो लिफ्टिंग मशीन कहलाएगी। उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? व्हाट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज़ द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज़ द रेशियो ऑफ जितना भार आपको उठाना है, वेट लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, और आपने कितना एफर्ट लगाया, तो उसी के रेशियो को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट लिफ्ट, जितना वेट आपने उठाया है, कितना भार आपने उठाया है, और कितना आपने एफर्ट दिया, कितना आपने उसके ऊपर एफर्ट दिया, कार्य किया आपने, वो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इनपुट ऑफ अ मशीन। इनपुट ऑफ अ मशीन क्या होता है? व्हाट इज़ इनपुट ऑफ अ मशीन? इनपुट ऑफ अ मशीन इज़ द वर्क डन ऑन द मशीन, ये वो वर्क होता है जो आप कार्य करते हो। इन अ लिफ्टिंग मशीन इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड द डिस्टेंस टू विच इट हैज़ बीन मूव्ड। तो इनपुट ऑफ अ मशीन ये हो जाएगा कि ये किसका प्रोडक्ट हो जाएगा, कि जितना आपने एफर्ट किया, मान लो एफर्ट आपने दिया एफ, और जितना डिस्टेंस मूव किया आपके एफर्ट की वजह से, एक्स मूव किया आपने, तो ये कहलाएगा इनपुट ऑफ अ मशीन, ये हो जाएगा इनपुट ऑफ अ मशीन। आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट ऑफ अ मशीन, आउटपुट हो जाएगा कि भाई आपने कितना भार उठाया और कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, W इंटू वाई, तो ये आउटपुट ऑफ अ मशीन हो जाएगा, ठीक है। द आउटपुट ऑफ अ मशीन इज द एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन। इन अ लिफ्टिंग मशीन इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द वेट लिफ्टेड एंड द डिस्टेंस थ्रू इट हैज़ बीन लिफ्टेड, और जितना डिस्टेंस उसने मूव किया है। तो आउटपुट कुछ नहीं, इनपुट आउटपुट कुछ नहीं होता है भाई, इनपुट क्या होता है कि आपने कितना एफर्ट दिया और कितना दूरी उसने मूव किया, एक्स मान लो दूरी मूव किया है। आउटपुट क्या हो जाएगा कि जितना आपने भार उठाया, उस भार ने कितना मोशन किया, कितना मूव किया, तो ये आउटपुट ऑफ अ मशीन हो जाएगा, ये एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि भाई एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, एफिशिएंसी क्या होता है? तो एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इट इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट ऑफ टू द इनपुट ऑफ अ मशीन। कोई भी नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं कि भाई किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, कि भाई हमने कितना इनपुट दिया और हमको कितना आउटपुट मिला, ठीक है, जितना आपको आउटपुट मिला उसको डिवाइड कर दोगे इनपुट से तो एफिशिएंसी आ जाएगी मशीन की। उसके बाद सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आती है कि आइडियल मशीन, आइडियल मशीन क्या होती है, किसको हम लोग आइडियल मशीन कहेंगे? तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, लेकिन हम लोग स्टडी में जो है, जब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की, एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग आइडियल कंडीशंस को लेके चलते हैं, जिससे हमारा स्टडी जो है आसान हो जाता है, हमको स्टडी करना आसान हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाता है स्टडी, ठीक है। तो आइडियल मशीन्स क्या होती हैं? इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज़ 100%, अगर किसी भी मशीन की एफिशिएंसी है, जो उसकी एफिशिएंसी 100% होगी, देन द इस एफिशिएंसी अगर 100% है तो उससे क्या मुराद है? एफिशिएंसी अगर 100% है तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो 1 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी 100% जब होगी तो जितना आउटपुट होगा उतना ही इनपुट होगा, मतलब आप जितना इनपुट दोगे तो उतना ही आपको आउटपुट निकल के आएगा। आउटपुट और इनपुट बराबर होगा किस मशीन के लिए? आइडियल मशीन के लिए। किस मशीन के लिए? आइडियल मशीन के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है भाई, कि व्हाट इज़ वेलोसिटी रेशियो? वेलोसिटी रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है कि एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है,
एफर्ट जो आप लगाते हो जहाँ पे, उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, और आपके भार ने और आपके लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो। ये आपको याद रखो, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप लिखोगे वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, आपके लोड ने कितना दूरी तय किया है, उसको हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने रिलेशनशिप निकाला है, किस किसके बीच में रिलेशनशिप निकाला है भाई, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन। ये तीनों चीज़ें याद रखिए, किस किसके बीच का रिलेशन है ये, एफिशिएंसी, दूसरा वेलोसिटी रेशियो और तीसरा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये तीनों चीज़ हम लोग जोड़ेंगे, इसको कम इसका रिलेशनशिप निकालेंगे इन तीनों चीज़ों को जो यूज़ करके। अब देखो क्या होता है कि इन इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन, ये लिफ्टिंग मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, विच थ्रोज लाइट ऑन इट्स मैकेनिज्म, तो उसके मैकेनिज्म पे ऊपर ये प्रकाश डालता है, बताता है, उसको डिस्कस करता है, एक्सप्लेन करता है। नाउ कंसिडर अ लिफ्टिंग मशीन हुज एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइंड आउट। अब एक हम लोग लिफ्टिंग मशीन कंसिडर करते हैं जिसकी हम लोगों को एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम लोग कुछ पैरामीटर्स कंसिडर कर लेंगे। पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस कंसिडर दैट डब्ल्यू जो है यहाँ पे भार आपको उठाना है, पी जो है आपने लोड लगाया है, इतना एफर्ट दिया है आपने, सॉरी पी जो है यहाँ पे आपने एफर्ट दिया है। तो डब्लू क्या चीज़ है भाई, डब्लू जो है लोड आपको जो उठाना है, जो भार आपको उठाना है, पी यहाँ पे जो है आप एफर्ट लगाओगे, क्योंकि आप एफर्ट लगाओगे तभी तो भार उठेगा, तो पी यहाँ पे एफर्ट हो गया जो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई जो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, आपको पहले भी बता चुका हूँ वाई हम लोग कंसिडर करते हैं कि एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया, एक्स जो है डिस्टेंस मूव बाय द लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मैकेनिकल एडवांटेज होता है कि कितना लोड आपने उठाया और कितना आपने एफर्ट दिया, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है कि भाई आपके एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है ना, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, और रेशियो इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव बाय द लोड। तो वाई अपन एक्स होता है, ये आपको पहले पता चुके हैं हम लोग, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की डेफिनेशन। तो मैकेनिकल एडवांटेज और उससे हम लोग ये रिलेशनशिप लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लेंगे ये दोनों चीज़ें, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों को मालूम है कि वी ऑल्सो नो दैट इनपुट ऑफ अ मशीन क्या होता है, इनपुट भी मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ कि एफर्ट अप्लाइड इनपुट क्या होता है भाई, इनपुट होता है कि कितना आपने एफर्ट लगाया और एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, उसके बाद आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है कि कितना लोड आपने लिफ्ट किया है, उस लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया है। तो ये हो जाता है आपका आउटपुट और ये हो जाता है आपका इनपुट। ठीक है, ये इनपुट हो गया आपका और ये आउटपुट हो गया आपका W इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद जो है हमको मालूम है कि एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होता है। और अभी हमको मालूम है यहाँ से भाई हमारा आउटपुट कितना है, आउटपुट हमारा W इंटू एक्स और इनपुट हमारा कितना है, P इंटू वाई, ये हो गया हमारा। तो अब हम लोग को मालूम है कि एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट विच इज़ डब्ल्यू इंटू एक्स, इनपुट पी इंटू वाई। अब हमको मालूम है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अरेंज करके डब्ल्यू बाई पी करके लिख दें और नीचे जो है एक्स को ड्रॉप कर दें, डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स कर दें, तो ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी मैकेनिकल एडवांटेज और नीचे वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। तो अब ये देखो हमारे पास एफिशिएंसी ऐसे आ गया कि नहीं आ गया, एफिशिएंसी आ गया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आपको अब ये याद रखना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी क्या होता है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अच्छा, अब उसके बाद इट मे बी सीन फ्रॉम द अवर रिलेशन दैट द वैल्यूज ऑफ एम ए एंड वी आर इक्वल ओनली इन केस ऑफ है ना मशीन हुज एफिशिएंसी 100%। तो अब ये कह रहा है कि भाई हम इस रिलेशन जो है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये इससे ये पता चल रहा है कि जब एफिशिएंसी 100% होगी, मतलब इनका रेशियो 1 हो जाएगा, तब आइडियल मशीन के केस में जब एफिशिएंसी 100% हो जाएगी तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो के, जब एफिशिएंसी 100% होगी। और 100% एफिशिएंसी कब होती है, आइडियल मशीन्स के केस में। ठीक है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मशीन्स जो होती हैं वो आइडियल होती नहीं है, फ्रिक्शन होता ही है सब में, कोई मशीन आइडियल नहीं होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको इसकी, जो अभी तक हम लोगों ने 3-4 फॉर्मूलेज जो देखे हैं, जो अभी हमने रिलेशन देखा है, उसकी मदद से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है भाई कि हाँ, अब हम लोग जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन अ सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, कोई एक मशीन है जो कि 1 किलो न्यूटन का भार उठा रहा है और कितना हमको एफर्ट देना पड़ रहा है, 25 न्यूटन का। वाइल द वेट मूव्स बाय, वेट कितना मूव कर रहा है उसी वक्त 100 mm वेट ऊपर मूव कर रहा है, और जहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट लगा रहे हैं वो मूव कर रहा है 8 मीटर। अब आपको बताना है कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है भाई, जितना भार आपने उठाया 1 किलो न्यूटन है, तो मतलब 1000 न्यूटन भार उठाया आपने, ये है। कितना एफर्ट लगाया आपने, 25 न्यूटन का एफर्ट लगाया, देख रहे हैं आप इतना ज़रा सा एफर्ट लगा रहे हैं आप और 1000 तक का भार उठा ले रहे हैं। और आपका एक्स डिस्टेंस जो है, जो जितना वेट मूव किया है वो है 100 mm, और आपका एफर्ट कितना मूव किया है, वो मूव किया है 8 मीटर। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, अब आप क्या करोगे, पुट करोगे इस फॉर्मूले में। आपको मालूम है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू W/P। W आपको पता है कि कितना भार आपने उठाया, 1000, और आपने कितना एफर्ट दिया था, 25, तो इसका रेशियो निकालोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज 40 आ जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि क्यों यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये W/P कर रहे हो, दोनों न्यूटन में, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी रेशियो। आपको मालूम है ये वेलोसिटी रेशियो का क्या फार्मूला होता है भाई, वेलोसिटी रेशियो होता है Y/X, और आपको मालूम है कि आपके एफर्ट ने 8 मीटर मूव किया है और 100 mm दिया हुआ था, तो 100 mm को जो है हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो जब इसका रेशियो जब हम लोग निकालेंगे 8/0.1, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया आपके पास, 80 आ गया वेलोसिटी रेशियो, और आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, 40 था। अब आपको मालूम है कि एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है भाई, एफिशिएंसी का फार्मूला है M/R। तो अब रखो एफिशिएंसी के फार्मूले में, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू M/A MA/VR, और MA आप निकाल चुके हो 40, वेलोसिटी रेशियो है आपका 80, एक दूसरे से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 40/80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, जो कि हो जाएगा 50%। तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, एफिशिएंसी आ गई आपकी 50% एफिशिएंसी आ गई है आपकी इस मशीन की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ मशीन क्या होती है, व्हाट इज़ रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ मशीन, और इसकी क्या कंडीशन है। तो देखिए रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि समटाइम्स अ मशीन इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड, सच अ मशीन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल मशीन एंड इट्स एक्शन इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ द मशीन। तो हम लोग रिवर्सिबल मशीन किसको कहते हैं, देखिए ये बहुत सिंपल चीज़ है, हिंदी में बताता हूँ मैं, कि देखिए कोई मशीन जब है रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर सके, कोई भी मशीन जब रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर सके, जब हमने से उसके ऊपर से एफर्ट हटा दिया है, तो उस तरीके के मशीन्स को हम लोग रिवर्सिबल मशीन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ, मान लीजिए वही हम छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वही वाला फलक्रम और लोड वाला, ये आपका एफर्ट है यहाँ पे और ये लोड है आपका यहाँ पे। अब मैं कहूँ आपसे कि अब मैं जब इस एफर्ट को हटा दूँ, जब इस एफर्ट को मैं हटा दूँ, देखिए इस लोड को लिफ्ट करना है आपको, लोड को लिफ्ट करने के लिए इसको नीचे लगाना पड़ेगा मुझे, तो ये लोड ऊपर जाएगा। तो अब हम क्या करें, जब इस एफर्ट को हम इधर ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एफर्ट हो गया, ये लोड हो गया आपका, हम इधर एफर्ट लगाएंगे तो ये लोड ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जब इस एफर्ट को हम हटा दें और लोड जब हम इसके ऊपर लगाएंगे बैकवर्ड, क्योंकि अब एफर्ट हटा दोगे तो ये नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करने की वजह से जब इसका एफर्ट हम हटा देंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ना, क्योंकि एफर्ट लगाने की वजह से ये लोड ऊपर जा रहा था, अब एफर्ट हटा दिया हमने तो ये नीचे आ रहा है, तो ये जब ये वर्क कर रहा है ना, नीचे आ रहा है तो ये वर्क कर रहा है, लोड जब जीरो हो गया है तो।
तो इस तरीके के मशीन्स को हम लोग रिवर्सिबल मशीन्स कहेंगे कि जब है जो भी मशीन जो है एफर्ट ज़ीरो करने पे जब आपने एफर्ट हटा दिया और वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगे, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने लगे व्हेन द एफर्ट इज़ रिमूव, जब आपने एफर्ट हटा दिया, क्योंकि जब आप एफर्ट हटा दोगे तो लोड नीचे जाएगा, जब लोड नीचे जाएगा कब नीचे जाएगा, जब यहाँ से आपने एफर्ट हटा दिया है। तो इस तरह की मशीन्स को हम लोग रिवर्सिबल मशीन कहेंगे कि जो कोई भी मशीन जो है रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर सके जब आपने एफर्ट को ज़ीरो कर दिया है। क्योंकि अब इस केस में यहाँ ये मशीन देख रहे हो, जब आपने एफर्ट हटा दिया तो यहाँ पर जो आप लोड लगा रहे हो तो यही एफर्ट की तरह काम कर रहा है ना, यही एफर्ट की तरह वर्क कर रहा है इस मशीन के लिए। तो देखो रिवर्सिबल मशीन कुछ नहीं होता है, रिवर्सिबल मशीन वो मशीन होती है जो कि वर्क कर सके रिवर्स डायरेक्शन में व्हेन आपने एफर्ट को रिमूव कर दिया है, एफर्ट आपने ज़ीरो कर दिया है और वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो सच मशीन इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन। कुछ नहीं होता है, रिवर्सिबल मशीन वो मशीन होती है कि जब वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर सके, रिवर्सिबल मशीन कौन सी मशीन होती है जो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर सके, रिवर्स डायरेक्शन में कार्य कर सके जब आपने व्हेन रिवर्स डायरेक्शन में कब वर्क कर सके, व्हेन आपने एफर्ट जो है वो ज़ीरो कर दिया, एफर्ट आपने रिमूव कर दिया है, ये चीज़ है, तो उसको रिवर्सिबल मशीन कहेंगे। कंडीशन क्या होती है फॉर रिवर्सिबल मशीन की, कंसिडर अ रिवर्सिबल मशीन हुज़ कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। अब हमको एक रिवर्सिबल मशीन की कंडीशन निकालनी है कि रिवर्सिबल मशीन कब होगा, कोई भी मशीन रिवर्सिबल मशीन कब होगी। ये सब सिंबल हमको मालूम है, W लोड आपने उठाया है, P एफर्ट है, Y डिस्टेंस बाय द एफर्ट है, X डिस्टेंस मोड बाय द लोड है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन ये है कि वी नो दैट इनपुट ऑफ अ मशीन, हमको मालूम है कि भाई इनपुट ऑफ मशीन क्या होता है, P इन टू Y, आउटपुट ऑफ मशीन क्या होता है, Y इन टू एक्स। अच्छा, वी ऑल्सो नो दैट मशीन, अब देखिए इनपुट और आउटपुट हमेशा बराबर नहीं होता है क्योंकि फ्रिक्शन कुछ होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से आप जितना इनपुट देते हो तो उससे कम ही कुछ आउटपुट आपको मिलता है ना, आउटपुट इज़ लेस देन इनपुट, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि मशीन फ्रिक्शन कितना था, मशीन फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, इनपुट माइनस आउटपुट करके, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि इनपुट से कम होता है आउटपुट, आउटपुट जो है इनपुट से कम होता है, फिर किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो है आउटपुट कम होता है, तो आउटपुट कम होता है तो इनपुट माइनस आउटपुट करोगे तो यही तो आपको फ्रिक्शन देगा, क्योंकि आउटपुट कम होता है इनपुट से, तो ये फ्रिक्शन निकाल लिया हमने यहाँ से, ठीक है, ये फ्रिक्शन निकल गया आ गया। सो उसके बाद दूसरी लाइन जो है ये लाइन देखिए, अ लिटिल कंसल्टेशन विल शो दैट इन अ रिवर्सिबल मशीन द आउटपुट ऑफ द मशीन शुड बी मोर देन द मशीन फ्रिक्शन। अब ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए सब मशीन में तो फ्रिक्शन होता ही होता है, अब क्योंकि रिवर्सिबल मशीन में ये होता है कि उसका जो आउटपुट है वही एफर्ट की तरह काम करता है, अगर रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करना है तो किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए, किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए क्या होता है भाई कि उसका जो एफर्ट है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर देन फ्रिक्शन होना चाहिए ना, तभी वो वर्क करेगा, ठीक है ना। किसी पे आप एफर्ट लगा रहे हो, मान लो ये अगर मान लो बॉक्स रखा हुआ है ज़मीन पे और आप इस पे लोड एफर्ट लगा रहे हो, ये कभी मूव करेगा, तब मूव करेगा जब अगर मान लो इस पे आपने एक्स एफर्ट लगाया तो इसका फ्रिक्शन जो होगा बिटवीन द सरफेस, एक्स शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन होना चाहिए ना बिटवीन द बॉक्स एंड द सर्फेस, तभी तो ये मूव करेगा। तो वही ये कंडीशन है, जो ये वाली लाइन है ये कह रहा है कि फ्रिक्शन से जो है हमारा एफर्ट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी मशीन कार्य करेगा। अगर मान लीजिए आपका एफर्ट फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं है तो आपका मशीन कार्य नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मशीन विल वर्क ओनली व्हेन द इनपुट इज़ मोर देन मशीन, जैसे ये कह रहा ना मैं यहाँ पे कि इनपुट अगर मशीन फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी वर्क करेगा मशीन, ये आपको याद रखना है। जैसे अभी मैंने बॉक्स वाला एग्जाम्पल लेके समझाया कि भाई ये आपका बॉक्स है, यहाँ पे ज़मीन पे ये बॉक्स रखा हुआ है, आप इस पे यहाँ एफर्ट लगा रहे हो और आपका जो ये एफर्ट यहाँ लगा रहे हो आप इसको ज़्यादा होना चाहिए किससे, जो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा इससे आपका एफर्ट ज़्यादा होना चाहिए। आपका एफर्ट जब ज़्यादा होगा किससे ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन से, आपका एफर्ट जब फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, मान लीजिए कोई बॉक्स है यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो तो आपका एफर्ट जो है वो ज़्यादा होगा फ्रिक्शन से, तभी आपका ये बॉक्स मूव करेगा ना, सिंपल सी चीज़ है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अ मैटर ऑफ फैक्ट मशीन विल वर्क ओनली व्हेन इनपुट इज़ मोर देन द मशीन फ्रिक्शन एंड व्हेन द मशीन हैज़ टू वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब जब रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो भाई रिवर्स डायरेक्शन में जब एक्ट कर रहा है तो जो हमारा लोड होता है, जो आउटपुट होता है, वही इनपुट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा आउटपुट है उसको मशीन फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, देखिए जो हमारा WX जो आउटपुट होता है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन के लिए, रिवर्स केस के लिए यही तो हमारा इनपुट है, तो अब इस रिवर्स डायरेक्शन में अगर वो वर्क कर रहा है तो हमारा जो आउटपुट है उस इनपुट को, वही इनपुट बन जाएगा अगर रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और उसको ज़्यादा होना चाहिए मशीन फ्रिक्शन से, उसको जो है मशीन फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। और हम ये निकाल चुके हैं कि ये मशीन फ्रिक्शन है, ये क्या चीज़ है, ये देखिए ये तो है WX जो है हमारा, WX जो है ये तो है हमारा इनपुट रिवर्स डायरेक्शन के लिए और ये जो है हमारा मशीन फ्रिक्शन है,
तो निकाल चुके हैं। तो मशीन फ्रिक्शन को कम होना चाहिए इनपुट से, तभी वर्क करेगा। इनपुट आपका ज़्यादा होना चाहिए मशीन फ्रिक्शन से, ठीक है। वही केस हमने लगा दिया। उसके बाद क्या किया हमने, ये माइनस टू एक्स, इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टू डब्लू एक्स, और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ पी इंटू वाई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टू को यहाँ ड्रॉप कर देंगे तो ये वन बाई टू हो जाएगा। फिर इसको हम अरेंज कर लेंगे तो डब्लू पॉइंट पी क्या हो जाता है हमारा, हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। वाई इंटू एक्स क्या हो जाता है, वेलोसिटी रेशियो। ये अरेंजमेंट करने से आया ना, इसको अरेंज कर दिया हमने। कैसे किया अरेंज भाई, देखो ये डब्लू इंटू एक्स था, डब्लू इंटू एक्स था हमारा, और ये था पी इंटू वाई। तो आपने क्या किया, पी को ऊपर लेके चले गए और वाई को नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, और इट शुड बी ग्रेटर देन वन बाई टू, हमने ये कंडीशन लगा दी है ये हमारे पास ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनली मैकेनिकल एडवांटेज का वी आर रेशियो जो है वन बाई टू से ज़्यादा होना चाहिए। और हमको मालूम है, अभी हम ड्राइव कर चुके हैं पीछे, कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग एफिशिएंसी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यही एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन वन बाई टू, क्या आ गया हमारे पास, कि एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन वन बाई टू। वन बाई टू क्या होता है, 50%। तो मशीन को रिवर्सिबल होने के लिए एफिशिएंसी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी मशीन रिवर्सिबल मशीन कब होगी, जब उसकी एफिशिएंसी जो है 50% से ज़्यादा है। हैंस द कंडीशन फॉर अ मशीन टू बी रिवर्सिबल इज़ दैट इट्स एफिशिएंसी शुड बी मोर देन 50%। तो ये अब याद रखो, मशीन कब रिवर्सिबल होगा भाई बताओ, रिवर्सिबल मशीन कब होगा, जब उस मशीन की एफिशिएंसी जो है 50% से ज़्यादा है, तभी वो रिवर्सिबल मशीन होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक जो है इसका, कि सेल्फ लॉकिंग मशीन। क्या, सेल्फ लॉकिंग मशीन। ये क्या होता है भाई सेल्फ लॉकिंग मशीन, समटाइम्स मशीन इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में वो वर्क नहीं कर पाता है, इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज़ रिमूव। जब आप एफर्ट को आप हटा दो तो रिवर्स डायरेक्शन में वो मशीन कार्य नहीं करेगा। तो उस तरीके की मशीन्स को हम लोग बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल मशीन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉन रिवर्सिबल मशीन कह लो या सेल्फ लॉकिंग मशीन कह लो, एक ही चीज़ है, नॉन रिवर्सिबल या सेल्फ लॉकिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द कंडीशन फॉर अ मशीन टू बी नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग दोनों एक ही चीज़ है, कि उसकी एफिशिएंसी जो है 50% से कम होती है। क्योंकि मैंने अभी पीछे डिस्कस कर दिया है, रिवर्सिबल के लिए क्या होता है भाई, रिवर्सिबल के लिए तो ये होता है कि एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होगी, और नॉन रिवर्सिबल के लिए एफिशिएंसी जो है कितनी होगी, 50% से कम होगी। तो क्या हो गया भाई, क्या चीज़ हो गया, नॉन रिवर्सिबल के लिए या सेल्फ लॉकिंग होने के लिए एफिशिएंसी जो है क्या होगी, 50% से कम होगी। ये याद रखो, फॉर अ मशीन टू बी नॉन रिवर्सिबल मशीन इट्स एफिशिएंसी शुड बी लेस देन 50%। ओके, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हमारे पास एक सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन है, जिसका वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है 30 है। जो वो भार उठा पा रहा है वो 1500 न्यूटन का भार उठा रहा है, और हम एफर्ट कितना दे रहे हैं, 125 न्यूटन का एफर्ट दे रहे हैं। अब हमको मशीन के बताना है कि रिवर्सिबल है कि नहीं, ये मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं। अब आपको मालूम है भाई, रिवर्सिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एफिशिएंसी निकाल के। तो हम लोग यहाँ एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमको मालूम है भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर। एफिशिएंसी कितना होता है, एम ए अपॉन वी आर, ठीक है। तो अब हमको मालूम है यहाँ पे एम ए कितना दिया हुआ है, हमें 12 दिया हुआ है, हमें 12 आ गया ना यहाँ से, डब्लू पॉइंट पी दिया हुआ था, यहाँ पे 1500 रखा मैंने, 125 से डिवाइड किया, 12 आ गया। तो हमारे पास जो है एम ए कितना आ गया, एम ए आ गया 12। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो कितना होता है, एम ए अपॉन वी आर, एम ए आ गया 12, वेलोसिटी रेशियो 30 दिया हुआ है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 40%। अब इसकी एफिशिएंसी 40% है, जो कि 50% से कम है, तो ये कौन सा मशीन हो जाएगा, नॉन रिवर्सिबल मशीन। कौन सी मशीन हो जाएगा, ये नॉन रिवर्सिबल मशीन, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो है 50% से कम है। तो ये मशीन जो है रिवर्सिबल नहीं है, नॉन रिवर्सिबल है, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा जब आप एफर्ट को हटा दोगे तो इट इज़ नॉन रिवर्सिबल मशीन। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने डिस्कस किया है कि इन अ लिफ्टिंग मशीन उसका वेलोसिटी रेशियो 50 दिया हुआ है। अब उस पर एफर्ट आपने 100 न्यूटन का लगाया, अब वो भार कितना उठा रहा है, 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन को न्यूटन में करोगे तो 4000 न्यूटन का भार उठा रहे हैं हम लोग, 100 न्यूटन का लोड लगा के। तो अब बताना है कि ये मशीन भाई रिवर्सिबल है कि नहीं,
ये मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं। और उसके बाद दूसरे केस में क्या आपको बताना है, अगर वो रिवर्सिबल है तो व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड सो डेट द मशीन इज़ एट द वर्ज ऑफ एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग। तो कितना हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ेगा कि वो जस्ट जो है रिवर्स कर जाए, रिवर्सिंग की कंडीशन में चला जाए वो। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन किया, देखिए हमको भार जो उठाना था वो दिया हुआ था 4000, अब कितना एफर्ट दिया हमने 100, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 40, वेलोसिटी रेशियो 50 दिया हुआ था, तो हमारी अब जो ये एफिशिएंसी आ गई 80% आ गई। अब एफिशिएंसी 80% आ गई तो इसका क्या मतलब हो गया कि दिस मशीन इज़ रिवर्सिबल मशीन, क्योंकि जिस मशीन की एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होती है वो रिवर्सिबल मशीन हो जाती है। अच्छा, अब ये कहा था कि भाई अब ये बताओ कि किस लोड पे, किस एफर्ट पे जो है कि सॉरी किस एफर्ट पे जो है वो जस्ट रिवर्सिंग की कंडीशन को एंटर करेगा। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने क्या किया, भाई एफर्ट हम लोगों को बताना है, P1 फाइंड करना है, लोड उतना ही उठाना है, लोड सेम है 4000 न्यूटन का लोड उठाना है, मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों को दिया हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज भी सेम हो। अच्छा हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा ये हो जाएगा भाई 40 4000, क्योंकि 4000 का भार उठाना है और P1 एफर्ट हम लोग लगाएंगे हम। अच्छा, अब एफिशिएंसी कितना, VR भी सेम रहेगा, वेलोसिटी रेशियो भी सेम रहेगा, एरा वेलोसिटी रेशियो। अब एफिशिएंसी की जगह हम लोग रखेंगे यहाँ पे 50%, क्योंकि इसी पे तो रिवर्सिबल होगा या रिवर्सिबल से रिवर्सिबल जाएगा 50% एफिशिएंसी पे ही, तो इसीलिए हम लोग एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग 0.5 रख दिया हमने। अब उसके बाद बाकी सारी चीज़ें पुट करेंगे हम लोग, एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग क्या होता है, 0.5 एफिशिएंसी का एफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा हो गया है 400 अपॉन P1 जो एफर्ट आपको निकालना है, वेलोसिटी रेशियो भी सेम रहेगा 50। तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो P1 जो हमारा आ जाएगा एफर्ट हो जाएगा 160 न्यूटन। अब देख रहे हो आपका एफर्ट बढ़ गया है, क्योंकि आपने एफिशिएंसी घटा दी तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 160 से ऊपर जब तक आप रहोगे तो मशीन जो है क्या रहेगी, नॉन रिवर्सिबल रहेगी। जैसे ही आप इससे कम एफर्ट कर दोगे और तो आप एफर्ट कम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो जैसे ही आप इससे कम करोगे एफर्ट तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी 50 से क्रॉस कर जाएगी। जैसे आप अपने 160 न्यूटन से 150 न्यूटन कर दिया तो आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी, 50 को क्रॉस कर जाएगी, तो मशीन आपका रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो खैर हमको उसको नहीं ध्यान देना है, हमको बस निकालना था कि भाई किस एफर्ट पे जो है मशीन एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग होगा। ठीक है, तो अब हमें भाई वेलोसिटी रेशियो सेम रखा हमने, एफिशिएंसी निकाला हमने, देखिए हमको वेलोसिटी रेशियो 85 रखा मैंने, वेलोसिटी रेशियो 85 रखा जो दिया हुआ था, एफिशिएंसी को 0.5 रखेंगे हम लोग, 0.5 रखेंगे क्योंकि इसी पॉइंट पे रिवर्सिंग करता है वो। ठीक है, भार भी उतना ही उठाना है, W भी 4000 रखेंगे, बस खाली जो है हम लोग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में P को चेंज करेंगे क्योंकि यही निकालना है हमको, तो आ गया 160 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जो ये टॉपिक है लॉ ऑफ मशीन है, क्योंकि लॉ ऑफ मशीन मैंने लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों को पढ़ाया था वहाँ डिस्कस नहीं किया था, तो ये मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा इससे आगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके इशूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप इस लेक्चर को देखें, इस वीडियो लेक्चर को देखें, नोट्स बनाएं इससे रिलेटेड, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसकी थ्योरीज़ को याद करें, और कोई इशू हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। Thank you so much.